सर प्लीज जल्दी से मेरे अकाउंट में पैसे डाल दीजिए, मैं बहुत परेशान आदमी हूँ सर, मैंने बहुत कठिन से पैसे किए हैं सर, आप कॉल भी नहीं उठा रहे, नहीं तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा। हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, मुझे अंकित भाई ने कॉल किया था और वो बोल रहे थे कि उन्होंने 1,05,000 पेमेंट किया एक फेक केबीसी को। तो 1,05,000 तो कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है ना दोस्तों। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था और मैंने वॉइस रिकॉर्ड भी किया है। तो जैसे ही उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने कैसे पेमेंट किया, आखिर क्यों पेमेंट किया उस फेक केबीसी को, तो मैं लिटरली शॉक हो गया था। कितना स्मार्टली उस फेक केबीसी ने बात किया था उनको उनके पास। तो उन्होंने पूरा रिकॉर्ड भी मुझे भेजा है व्हाट्सअप पे। तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में नहीं है, आप जाके देख सकते हो। और इस वीडियो को दोस्तों स्किप करें बिना एंड तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो भाई। हेलो। हाँ भाई, जो आपका जो मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पे। हाँ जी। तो वो आप लोग फेक वाला जो केबीसी कौन बनेगा करोड़पति से। हाँ हाँ, मैंने दो तीन वीडियो बनाए हैं उस पे। हाँ, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो गया। उसमें मेरा कम से कम 1,00,000 समथिंग पैसा खर्च कर दिया मैंने उन लोगों के पीछे। 1,00,000? हाँ यार, मैं क्या बताऊँ, बहुत परेशान हूँ इस वक्त, क्या बताऊँ। वो पहले मेरे को आपको इंक्वायरी करना था ना, आपने कैसे 1,00,000 डायरेक्ट पे कर दिया वो लोग को? अरे भाई, उन्होंने मेरे को इतना लोभ दिया कि तुम्हारी 25,00,000 की लॉटरी लगी है, उसके साथ एक बाइक की भी दे रहा हूँ, और तुम टेंशन लेना नहीं। और मतलब 100 भी मतलब खाई थी उन्होंने भारत माता की, काली मैया की। तो मैंने कहा, सोचा यार कि चलो ठीक है, भारत के आदमी है तो खाली है, तो मैं भी भारत का नागरिक हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बार विश्वास करके देख लेते हैं। अरे पैसा के लिए भारत माँ की कसम, क्या अपने माँ को भी मार देगा आजकल इंडिया पे ऐसा लोग बैठे हुए हैं। भाई मैं क्या करूं यार, पहले मेरे को मैसेज आया कि आप 25,00,000 की आपकी लॉटरी लगी है, हमारा राणा प्रताप जी आपका वेट कर रहे हैं, एक नंबर दे दिया उस वीडियो में। Okay. तो बुंड कहने लगे इस नंबर को सेव करो, सेव करके व्हाट्सएप कॉलिंग करो, ठीक है ना। तो मैंने ऐसा ही कुछ किया, तो वो कहने लगे कि आपका लॉटरी नंबर बताओ, तो मैंने अपना लॉटरी नंबर बताया 77-88। तो कहने लगे हाँ भाई, आपका लॉटरी लगा है तो आपका ये लॉटरी कैसे लेना चाहते हो। तो मैंने कहा ठीक है, आप कैसे दोगे, तो मैं जैसे ले लूंगा। बोले आपका अकाउंट नंबर मेरे को सेंड कर दीजिए। तो मैंने मेरा अकाउंट नंबर जो बिना पैसे नहीं थे उसमें ऐसा दे दिया पैसे, मैं भी मजाक समझा था कि यार ये लोग मजाक कर रहे हैं। तो मैंने दे दी। हाँ, लेकिन आपको इंक्वायरी करना था। ओके ठीक है, आपने पैसा तो दे दिया ना, लेकिन ना वो लोग को हम लोग पकड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो लोग दूसरा नंबर, दूसरा कोई किसी और का व्हाट्सएप को हैक करके वो लोग वो नंबर से कॉल करते हैं, तो इसीलिए वो लोग को पकड़ने के लिए भी बहुत मुश्किल है। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं, बहुत से मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया है, किसी का 50,000, किसी का 20,000, बहुत सब में 1x1 प्लस करूंगा ना, 13 करोड़ से ऊपर हो जाएगा, इतना लूट चुके हैं ये लोग। हाँ भाई, और इतना मेरे को इतना विश्वास दिला दिया, और कार्ड वगैरह भी बहुत ज्यादा बना के दे दिए, चेक बना दिया, वीडियो वगैरह भी भेज दिए। ठीक है, आपके पास मैं देखो भाई, मैं आप खराब मत मिलना, मैं पैसा ऐसा मीन्स वो लोग का पकड़ के आपका पैसा रिटर्न करूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं कर सकता। मैं भी एक छोटा नॉर्मल आदमी हूँ, जस्ट फेक मुझे भी आया था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया था। तो आपके पास रिकॉर्ड पूरा है ना उसका रिकॉर्ड मुझे भेज दीजिए, मैं जितना सकता हूँ उसको एक्सपोज करने के लिए ट्राई करता हूँ। ठीक है, मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। ठीक है, मैं आपको जितनी स्लिप वगैरह मेरे पास पड़ी है मैं आपको बिल्कुल तुरंत सेंड करूंगा, जितने भी कार्ड वगैरह उतने भी सेंड कर दूंगा। ठीक है भाई। पता भाई, मैंने इनकी केबीसी में रिपोर्ट भी डाल दी है, वो बोल रहे थे कि इसका कुछ हो सकता है, वैसे मुंबई में लोकेशन बता रही है, नूर हॉस्पिटल के सामने इसका कुछ कमरा वगैरह है। ओके, देखो ना भाई, अगर मैंने तो सर 2-3 वीडियो ही बनाया है, पहले वाला वीडियो में आई थिंक 1,50,000 व्यू है, ठीक है, वो 1,50,000 में ऑलमोस्ट 50 आदमी ने तो उसको पैसा दिया है। अगर सिर्फ मेरा ही वीडियो का जिनने जितना दिया उसको प्लस करके देखूंगा ना, 13 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। इतना खाली मेरा पे वीडियो पे इतना फ्रॉड कर चुके हैं, और पूरा इंडिया पे कितना होगा सोच के देखे। मेरा वीडियो तो सबने तो नहीं देखा है, ये आसाम से भी कॉल आया था, बहुत जगह से मुझे कॉल किया है। अब भाई कुछ कर भी तो नहीं सकते यार भाई, देखना आप भाई, आपने हाथ में थोड़ी है कि अपन उसको पकड़ लें, बस कुछ की ऐसी मदद कर सकते हैं कि भाई इसके साथ हो गया, आप लोग मत फंसिए, बस ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। ठीक है भाई, बता मेरे साथ कैसा हुआ है।
पहले उनका जो कॉल आया मेरे पास, कहने लगे कि सर आपका 25 लाख का लॉटरी लगा, तो मैं भी थोड़ा हिचक गया। मैंने थोड़ा मजाक समझा, मजाक सीरियस नहीं लिया उसको। मैंने कहा यार ऐसे कई देश में पड़े हैं, 25 लाख कौन देगा। फिर मेरे को जस्ट कॉल, मतलब दिन रात एक करने लगे, बार बार कॉल करने लगे। मैंने कहा यार इतने दिमाग खा रहे हैं, तो मैंने कहा सर मेरे को लॉटरी नहीं लेनी है। अरे कह सर आपकी जो किस्मत खुली है उसको तो मैं एक बार अजमा कर तो देखिए, तो मैंने क्या करना पड़ेगा कि आपकी पिक भी सेंड करो और आपका खाता नंबर सेंड करो। मैंने जस्ट ही खाता नंबर अपनी पिक सेंड की, तो उन्होंने जो फाइल बनाई ना आपको मैंने फाइल भेज दिया शायद, तो मैंने वो फाइल उनको बना, उन्होंने मेरे को बना के दे दी। तो उसमें लिख दिया स्पष्ट में अंकित विश्वकर्मा नाम मेरा और मेरा नंबर, नंबर के बाद नीचे लिख दिया फीस, टोटल फीस 13,000 रुपीज। 13,000 रुपीज में मैंने कहा सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप 25 लाख में से काट लीजिए, बाकी मेरे को दे दीजिए। तो इसके बाद बोलने लगे कि भाई आप एक काम करो, अपने पास इतने इतने नहीं हो पा रहे तो कितने हो सकते हैं। तो मैंने कहा सर मेरे पास बिल्कुल नहीं हो सकते, आप ही कुछ कर लीजिए। कहीं नहीं नहीं सर आपको थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, आप 4,000-5,000 कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको 10 लाख रुपए डाल दूंगा, बाकी का जो तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपए पहुंचेगा उसके बाद पूरा फीस जमा कर देना। तो मैंने कहा यार एक मिनट, मैंने सोचा, मेरे फ्रेंड को बताया और कुछ लोगों को बताया, उन्होंने मना किया। मैंने कहा यार एक बार इस्तेमाल करके देख लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने उनको 4,000 रुपए जमा कर दिए। मैंने कहा चल ठीक है, मैं 4,000 जमा करके देख लेता हूँ, इसमें मैंने कहा इतने ही अपन खर्च कर देते हैं भाई, अगर किस्मत में होगा तो सही आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैंने 4,000 जस्ट जमा करके उसको, वो कहता स्लिप भी भेजो मेरे को, जो वो मिलता ना जो स्लिप वगैरह अपन मिलती है, वो अपन जो बैंक वगैरह से डालते हैं, तो वो कही उसको सेंड करो। तो मैंने उसको सेंड की, मेरे फ्रेंड के मतलब मोबाइल से डलवाए थे, तो उसमें स्क्रीनशॉट भेजे मैंने, उसने नहीं दिया, बस मेरा अकाउंट नंबर SBI जो कोड रहता है जो बैंक का वो लिया और बैंक का खाता नंबर लिया। तो मैंने उनको सेंड कर दिया कि यही खाता है, तो मैंने कहा हाँ जी सर यही खाता है, तो इसमें आप कर दीजिए कि भाई मैं आप बस 5 मिनट के बाद सर आपके अकाउंट में 25 लाख का अमाउंट पहुंच जाएगा। मैं उनका वेट करते रहा, मैं 10 मिनट कॉल नहीं किया। इसके बाद उसका खुद ही कॉल आया, कहने लगा सर वो क्या है, अब क्या बात है आपके अकाउंट में पैसे नहीं जा रहे। तो मैंने कहा सर अकाउंट में पैसे नहीं जा रहे, आप कैसी बात कर रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता यार भाई। मैंने कहा पैसे तो जाएंगे, तो मैंने कहा कितने, मतलब 25 लाख के अमाउंट नहीं जा रहा। हाँ सर वो 25 लाख का अमाउंट नहीं जा रहा, आपका सेविंग खाता करेंट खाता नहीं है। तो मैंने कहा यार भाई क्या करूं मैं, समझ में नहीं। मैंने कहा एक काम कर लो, तो मैं दूसरा खाता दे दूं। बोले नहीं 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 दूसरा खाते में कैसे जाएंगे, आपका जो खाता नंबर का चेक आपके ऑलरेडी इसी नाम से चेक है, मतलब इसी खाते से चेक आपका है, तो इसी खाते में डालना पड़ेगा, या फिर तो आपको पहले ही दूसरा खाता देना पड़ता, देना था। तो मैंने कहा मैं अच्छा फंसा हूँ यार, मेरे को समझ में नहीं। तो मैंने कहा आप एक काम कीजिए, 25 लाख का अमाउंट नहीं जा रहा तो 2-2 लाख करके हर महीने डालते रहना, ठीक है ना। मैंने उनको भी ये कह दिया, मैंने कहा एक काम करो आप 2 लाख अभी भेज दो, ठीक है ना। मैंने कहा 2 लाख भेज दो। कहीं नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, वो 25 लाख का ही जो अमाउंट है आपके अकाउंट में जाएगा। तो मैंने कहा तो भाई मैं अब क्या करूं। बोलने लगा मैं थोड़ी अभी 10 मिनट बाद कॉल करता हूं, इसके बाद मैं आपको कुछ बताता हूं, अगर कुछ होता है तो ठीक है। तो मैं उसके सामने जो बहाने रोने का बहाना करने लगा, सर मैं मर जाऊंगा, ऐसा वैसा, मैं गरीब आदमी था, मेरे साथ ऐसा हो गया, आप गलत कर रहे हो, पहले आपने कहा कि इतने के बाद कुछ नहीं लगेगा, आप फिर बोल रहे हो करंट खाता कराना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी विनतियां की, मैंने कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, आप मेरे को पैसे मेरे वापस कर दीजिए। कही ठीक है मैं ऑलरेडी आपके पैसे वापस कर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर इसका जस्ट मिनट बाद कॉल आया, बोलने लगा कि सर आपका जो भगवान की ओर से इतना बड़ा मौका मिला है, इसको आप जाया क्यों कर रहे हो। तो मैंने कहा ठीक, तो मैं सर मेरे को आप बताओ तो इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा। कहने लगे भाई आपको इसमें जो करंट खाता है तो इसमें आपको 65,000 रुपए देना होगा। 65,000 मांग लिए साले ने। और इसके बाद बोलने लगा ये 2 लाख का बनता है बिजनेस कार्ड, ये करंट खाता, तो इसमें 1,35,000 कंपनी दे रही है और 65,000 आपको देना होगा। तो मैंने कहा यार भाई मेरे पास इतने नहीं है, मैंने कहा मैं मर जाऊंगा यार भाई, इतने मैंने मांगे हैं, मैं कहां से दूं। कही सर मैं इसके बाद कसम उठा दूं। फिर भी साले ने कसम उठाई, फिर भी मैंने साले पे इतना मतलब दिमाग नहीं लगा कि फिर भी सौगंध खा रहा साला। तो इतना विश्वास दिया कि भाई मेरे को पता नहीं था, मैंने कंपनी से अब मैंने तमाम पूछ लिया है, अब इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपना जो 65,000 का जो अमाउंट तुरंत जमा करोगे, इसके बाद आप हमारी टीम खुद पहुंचेगी आपके शहर में, आपके शहर में आप तुमको मतलब खाते में ना डायरेक्टली जो आपका जो करेंट खाता जो बिजनेस कार्ड बनेगा उसमें आपको हर महीने 20 से 25,000 रुपए मिलेंगे, जो जिंदगी के लिए जिंदगी भर जब तक आप जिंदा रहोगे।
यस तो ऐसा बोलने लगा, ठीक है ना। हाँ और इसके बाद मेरे को कहने लगा कि ये कार्ड इतना कीमती रहता है कि इसमें आप 50 लाख का बैंक से लोन भी ले सकते हो, यस ऐसा बोल। फिर मैंने इसको थोड़ा डाउट डाउट हुआ मेरे को, मैंने कहा यार बाप झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं भाई मैं ऑलरेडी फंस चुका था, मेरा जो 35-38 हज़ार रुपए था मेरा फंस चुका था। अब हाँ वो भी था, मैं घर वालों को बता नहीं सकता था कि मैंने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, नहीं तो वो थोड़े डांटते मारते पीटते, हाँ तो मैं उनको बता नहीं सकता था। इसके बाद उसने 65 हज़ार की जो बात की, तो मैंने मेरे पिताजी से मैंने बहुत ज्यादा कर्रही करके मैंने उनको बताया। हाँ मैंने कहा पापा जो हमारी लॉटरी है इसमें 65 हज़ार रुपए का खर्चा आ रहा है। हाँ तो पापा उन्होंने मेरे को बहुत मना किया, बहुत मतलब निराश हुए मेरे से और कहने लगे कि भाई तू गलत कर दिया तूने, ये फ्रॉड लोग होते हैं। और वो भी मतलब खेती किसानी करते हैं, हमारे पिताजी इतने पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, फिर भी बहुत समझाया। तो मैंने पापा उनसे कहा, मैंने कहा पापा मुझे जस्ट आपका ATM दीजिए, मुझे 65 हज़ार रुपये चाहिए। कहने लगे, बहुत ज्यादा नाराज हुए घर पर चाचा चाची सब, मेरे को बहुत मना किया बेटा तू फंस रहा फंस रहा फंस रहा। तो मैंने कहा भाई वो, और मैंने पापा की बात भी कराई, ठीक है ना। पापा से कहने लगा जैसे आप हमारे ये सर के पिता हो जैसे आप मेरे पिता हो, इतनी बड़ी बात की थी कि पिताजी माना है मैंने आपको और आपके लड़के को मैंने भाई माना है। आप इतना जमा करने के बाद आपको कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर इसके बाद जो भी खर्चा आएगा मैं उठाऊंगा मैं उठाऊंगा मैं जमा करूंगा। तो पिताजी ने कहा यार इतने पढ़े लिखे नहीं थे वैसे, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है अब तू कह रहा बेटा तो तेरी बात मान लेता है। तो कही चल ठीक है, तो मेरे को नया ATM दिया, मेरे को 65 हज़ार रुपये मैंने जस्ट ठेर के मैंने उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए। और ठीक है उसने फिर कहा मेरे को 65 हज़ार जमा करने के बाद, तो उसने फिर कुछ नहीं कहा कि चलो ठीक है सर आपकी जो अमाउंट थी वो मैंने चेक कर ली है, आपने ऑलरेडी 1,01,000 रुपये जमा कर दिया जो मतलब टीम की तरफ से पूरी फीस हो चुकी है, तो हमारी टीम कल रवाना हो रही है, मैं अभी शाम के जाके अपनी दो लोगों की जो साहब लोग आएंगे तुम्हारे पास तो उनकी टिकट क्लियर करा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है सर, मेरे को थोड़ी शांति आई, मैंने कहा चलो ठीक है टिकट करा दी। सुबह टाइम मैंने जस्ट मेरी इतने मतलब सकारी मतलब नींद खुली, मैंने जस्ट उनको 8 बजे कॉल किया तो 8 बजे साले ने नहीं उठाया। उसके बाद 9 बजे कॉल किया, 9 बजे उसने मेरे को कॉल उठाया, मैंने कहा हाँ सर आपकी टीम ऑलरेडी भिजा दी है। हाँ सर मेरी टीम वो 10 बजे की टिकटें थी, 10 बजे ऑलरेडी निकल चुकी थी, अब मैं उनसे थोड़ा कॉल करके संपर्क करके पता कर लेता हूँ वो कहाँ पहुंची अभी। तो वो जबलपुर एयरपोर्ट की उसने फोटो मेरे को सेंड की, वो भी नेट से खींच के, ठीक है ना। मेरे को अभी थोड़ा डाउट हो गया, तो मैंने वो जो फोटो थी उसने भेजी थी ना वो नेट पे एयरपोर्ट जबलपुर एयरपोर्ट का, मैंने उतना फोटो उसको सर्च की मतलब नेट पे, तो जैसी फोटो नेट पे डली थी उसी उसी उसको उसी फोटो मेरे को उसने सेंड की। तो मैंने कहा यार भाई, मैं उसको जस्ट कॉल किया, मैंने कहा भाई तूने मेरे को नेट वाली पे सेंड क्यों की है भाई, ये नेट पे भी डली है और ये है तुम्हारी भी है भाई। वो कैसा है कि भाई जो चीज तुम्हारे यहाँ है वही चीज की खींचेंगे तो वही चीज नहीं दिखेगी, मेरे को उसने कंफ्यूज कर दिया साले ने। लेकिन मैं उतने समय समझ गया, मैंने कहा चलो ठीक है जो आने की वो रहा तो उससे करो करते रहो बात। तो इसने मेरे को वो साहब लोगों का कई सारा, मैं आपको साहब लोगों का नंबर देता हूँ तो उनसे बोल दीजिए कि सर आप कहाँ पहुंचे हो आप उनसे बात कर लीजिए और उनकी पिक सेंड करा लेना ताकि अब उनको तुम पहचान सको। और मेरा एड्रेस भी ले लिया, मैंने कहा मैं तुमको करेली में बजाज शोरूम के पास मिलूंगा, ठीक है ना। तो उसने मेरे को एड्रेस वगैरह सारा ले लिया। अब मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहाँ हो सर, तो कहने लगे मेरे को भाई नरसिंहपुर में CBI वालों ने पकड़ लिया। अरे CBI वालों ने पकड़ लिया, मैंने कहा यार भाई जबलपुर में CBI कम पड़ रही है तेरे को नरसिंहपुर में पकड़ लिया। तो कहने लगा भाई आप मेरा विश्वास नहीं मान रहे, मेरा एक सांत वाला है उसको पकड़ लिया, मैं अभी गाड़ी में बैठा हूँ इनसे थोड़ा निपट टिपट के हम अभी निकलते हैं अभी आते हैं। तो मैंने कहा सर आप अपना एड्रेस बता दीजिए, नरसिंहपुर मेरे यहाँ से बस 15-20 किलोमीटर है, मैं आपको थोड़ा वहां से उनसे CBI वालों से बोल दूंगा कि भैया मेरा ये लॉटरी लेके आया, मैं पहले केस करा लूं फिर तो सालों को मार देना था। हाँ भाई मेरे मन में सोचा और मैंने उनसे बहुत बताया कि भाई मैंने उनसे बोला कि मैं आपको छुड़ा सकता हूँ, मेरे भाई आर्मी में है, मेरी दीदी पुलिस में है, मैं मतलब आपको छुड़ा सकता हूँ आप बता दीजिए कहाँ हो। उन्होंने सालों ने हराम खोरों ने एड्रेस भी नहीं दिया, तो बोलने लगे अभी मैं आपको 10 मिनट बाद कॉल कर रहा हूँ, अभी एक साहब लो साहब आ रहा है CBI वाले से वो हमको बात करने की इजाजत नहीं है। मैंने कहा ठीक है तो 10 मिनट बाद कॉल करो, हम वहां पर वेट करते रहे 10 मिनट बाद मैंने उनको खुद कॉल किया, सारे साले ने मेरे को कॉल नहीं किया। और फिर मैंने जो राणा राणा बना था राणा को जमा किए, एक राणा राणा बता रहा जो 28 है करेक्ट। तो मैंने जो उसको फोन किया, मैंने कहा भाई
तुम्हारा जो सांत वाला जो साहब है उसको सीबीआई वालों ने पकड़ लिया है, ठीक है ना। तो मैंने फिर इसका फोन काट के कही सर उनसे बात कीजिए आप, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद मैं उनसे बात ही तो कर ही रहा हूँ। तो मैंने उनको फिर कॉल किया, वो साहब को जिसने उसको भेजा था, राणा ने भेजा था, जो नरसिंहपुर में उसको सीबीआई पकड़ी हुई थी, उसको कॉल किया। तो मैंने कहा हाँ भाई, मैंने कहा सर कहाँ पहुंचे हो। कही भाई बहुत धीरे आवाज में कि हमको सीबीआई वालों ने पकड़ लिया है, प्लीज सर आप बेर बेर कॉल मत कीजिए। मैंने कहा यार ठीक है भाई, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को बता तो दो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। कहने लगे भाई थोड़ा बहुत खर्चा मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? बोल रहे कि 1.5 लाख रुपीस मांग रहे हैं, जो इंश्योरेंस का जो पैसा होता वो मांग रहे हैं सीबीआई वाले। तो मैंने कहा तो मैं क्या करूं भाई, कहीं जो आपको देना पड़ेगा। तो मैंने जस्ट कॉल काट के मैंने राणा को कॉल किया, मैंने कि भाई आपका मेरे को लूटना चाहते हो, आपने 1 लाख मेरे से लूट लिए और इसके बाद 1.5 लाख फिर मांग रहे हो। तो राणा क्या बोला, कहने लगा अरे सर पहले मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा ठीक है आप बताइए। कहने लगा 70,000 रुपए मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी के जो 1.5 लाख करके अपन उनको दे देते हैं और छोड़ा लेते हैं और आपके शहर में टीम आ जाएगी। तो आप एक काम कीजिए, जो बाकी के पैसे हैं वो मेरे को दे दीजिए और 70,000 मैं दे देता हूँ, तो बाकी के जो पैसे हैं वो आप दे दीजिए। तो मैंने कहा सर, मैंने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन आपको 1 रुपये नहीं दूंगा अब। कही अच्छा कि तो ठीक है सर कोई बात नहीं, वो आपकी खुशी की बात। तो मैंने कहा सर उनसे एड्रेस पूरे मेरे को सीधे से बता दीजिए तो मैं उनको छुड़ा लूंगा। भाई पैसे में ऐसे क्या दिक्कत है, इतने में थोड़ी दिक्कत, 1.5 लाख रुपए में सीबीआई पकड़ लेगी, 1.5 लाख रुपए में छोड़ेगी। भाई मैं उनको 10-20-25,000 रुपए में छुड़ा के ले आऊंगा वहीं से, उनके जस्ट सामने, और वहीं से केस कर लूंगा भैया मैं, ठीक है। तो मैंने उनको सालों को मतलब कॉल किया और उसने किया सर ऐसा नहीं होगा, उसको तुमको अकाउंट में डालना पड़ेगा पैसा। तो मैंने कहा यार भाई मैं अब अकाउंट में 1,01,000 रुपए तो वैसे डाल चुका हूँ, तो मैं अब नहीं डाल सकता भाई, सामने तुम कहो तो मैं आपको 2 लाख दे देता हूँ। तो वो कहने लगा कि नहीं भाई वो अकाउंट में डालना पड़ेगा। फिर मैंने उनको मतलब मैं समझ गया कि साले मेरे को ये चूतिया समझ रखे हैं और मेरे को चूतिया बना रहे हैं। और जब समझा था मैं, और जब समझा था कि ये मेरे को फ्रॉड मतलब फ्रॉड कंपनी है, इसने मेरे को लूट लिया है। और मैंने सालों को इतनी गाली दी बहुत सारी गाली दी, इसको भी और उसको भी, और इसके बाद आए नहीं है, हम अपने शहर से वापस आ गए थे 1 लाख लुटा के। बस अब जे खड़े हैं आपसे बात कर रहे हैं और दुख मना रहे हैं, क्या करें।